नमस्कार, ओम शांति। वेलकम बैक टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहां पे हम कोशिश करते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। और हर बार की तरह हमारे साथ जुड़ी हैं ऋतु जी। वेलकम ऋतु जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो ऋतु जी, आज का जो हमारा सवाल है वो भी एक लेडी हैं, उनकी अभी थोड़े टाइम हुआ है, शादी हुई है, उनकी तरफ से आया है कि उनका और उनकी मदर इन लॉ का रिश्ता बहुत प्यारा है। वैसे तो लाइक वो काफ़ी कुछ करती हैं उनके लिए, उनकी मदर इन लॉ भी उनको बहुत प्यार करती हैं, बहुत अच्छा सब। सो दे हैव अ गुड रिलेशनशिप, नथिंग, नो इश्यूज़ एज सच। लेकिन एक बार ऐसा, अभी वो कह रही हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि मैंने अपनी मदर इन लॉ को अपनी फ्रेंड्स के साथ बात करते हुए सुन लिया था, और जहाँ पे वो मुझे क्रिटिसाइज़ कर रही थी। तो कहती हैं कि वैसे तो मुझे बहुत प्यार से, मुझे लगता था हमारा अच्छा रिश्ता है, लेकिन जब मैंने ये सुन लिया है जब से, तब से मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है। आई एम नॉट, जो पहले था रिश्ता, जो मुझे उनके लिए अच्छी फीलिंग्स आती थी, अब वो नहीं आ रही हैं जी। तो क्या करें जी? सो द फर्स्ट थिंग इज कि वो फीलिंग क्यों नहीं आ रही है, यू नो, इज इट सम हर्ट दैट आई हैव क्रिएटेड? ऑब्वियसली आई थिंक इट्स अ हर्ट। इट्स अ हर्ट नाउ, बट इजंट दैट नेचुरल ऋतु जी? या, क्योंकि देखिए ये नेचुरल क्यों हो गया, क्योंकि जब हमने उनके लिए सारी चीज़ें करी जी, है ना, तो हमारा कहीं ना कहीं एक थॉट प्रोसेस क्या रहता है कि मैं इनके लिए कर रही हूँ, आई केयर फॉर देम, मैं उन, मतलब उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी शायद घर की जो भी यू नो चीज़ें हैं, उनको जो भी नेसेसरी है, वो सारा मैं ध्यान रख रही हूँ। बट वाइल डूइंग दैट, कहीं सटल में द एक्सपेक्टेशन इज़ कि वो भी, मतलब यू नो, या फिर मुझे अप्रिशिएट करें, या वो मुझे अच्छा बोलें, या फिर वो यू नो मेरी भी उतनी ही केयर करें। हाँ, कहीं ना कहीं आ जाता है। हाँ जी। हाँ। तो ये हर्ट जो है वो आपके करने की वजह से नहीं आ रहा है, ये हर्ट आ रहा है क्योंकि करते हुए मैंने क्या माइंडसेट रखा। राइट। क्या मेरा माइंडसेट ये था कि वो भी मेरे लिए उस तरह से यू नो रिस्पॉन्ड करें, मेरी फीलिंग्स का वैसा ही रिस्पॉन्स दें, इसीलिए मैं कर रही हूँ? तो कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस हैं, तब ये हर्ट वाली फीलिंग होती है। ऑल्सो कोई हमारे लिए, जब कोई कर रहा है, सामने से भी कोई कर रहा है, तभी भी हम करते हैं। हाँ जी। हाँ जी। सो दैट्स अ चॉइस दैट आई हैव कि चलो वो मेरे लिए कर रहे हैं तो मैं अब करती हूँ। लेकिन जब हम ये भी कर रहे हैं तो समवेयर अंडरस्टैंडिंग कि मैं करते हुए किस माइंडसेट से करूं, एम आई डूइंग इट ये सोच के कि सो देन वो मुझे ज़्यादा प्यार करें, या वो भी मेरे लिए करें वो एक्सपेक्टेशन के आधार पर, या वो कर्म को करने की खुशी से मैं कर रही हूँ कि मैं कर रही हूँ बिकॉज आई एम फीलिंग हैप्पी। अगर मैं उस माइंडसेट से, सपोज मैं आपके लिए कुछ कर रही हूँ और इस माइंडसेट से करती हूँ ना कि मैं, मुझे करते हुए खुशी मिल रही है, एंड देन यू नो व्हाट हैपेंस इज, हमारा जो उनके प्रति एक्सपेक्टेशंस है इन टर्म्स ऑफ कल जाके वो भी मेरे लिए वैसा करें, या वो भी मेरे लिए अच्छा बोले, या वो भी यू नो, वो एक्सपेक्टेशन का जो एक ये रहता है ना, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमें क्लैरिटी होती है कि हम ये कर रहे हैं, इट इज़ माई चॉइस दैट आई एम डूइंग, एंड आई एम डूइंग बिकॉज ये कर्म मुझे करते हुए खुशी मिल रही है। ओके। व्हेन आई एम डूइंग इट, तो वो करते करते हुए खुश हूँ मैं। अच्छा। और वो हैप्पीनेस तो हमने वैसे ही क्रिएट कर ली अपने लिए, बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग दैट आई एंजॉय डूइंग, दैट रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एंड वो कर रही हूँ तो आई एम फीलिंग हैप्पी। अब वो फीलिंग हैप्पी रहती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं रहती है, क्योंकि वो रिलेशनशिप इम्पॉर्टेंट है, और हम किसी के लिए भी यू नो एज ह्यूमन बींग्स वी आर यूज टू गिविंग, यू नो वो हमारा नेचर ही होता है कि हम औरों के लिए करना चाहते हैं। यू नो इवन इफ वी डोंट टॉक अबाउट क्लोज रिलेशनशिप, हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी को पानी की जरूरत है, किसी को रास्ता क्रॉस करने में, हम छोटी सी हेल्प कर देते हैं और अच्छा लगता है, और हमें अच्छा लगता है, दैट इज बिकॉज इट्स आवर नेचर टू गिव, है ना। लेकिन जितना हम इस कोर नेचर के आधार पर अपना कर्म करेंगे, तो वो चीज कभी हमें हर्ट नहीं क्रिएट करेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्रिएट करते हैं, हम क्या करते हैं, हम उस कोर नेचर से डिविएट होकर उसके साथ में कुछ और मिक्सचैरिटी, कुछ और मिक्स कर देते हैं, और वो है क्योंकि मैं कर रही हूँ तो वो करें। रास्ते पे चलते उनको हेल्प किया, वहां पे कभी हर्ट नहीं क्रिएट हो सकता, बिकॉज इट वॉज अ सेल्फलेस एक्ट, वहां पे आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कल वो आकर मुझे रास्ता क्रॉस कराए, देयर इज नो एक्सपेक्टेशंस, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, उस कोर नेचर, मेरे ह्यूमन बींग, आई द बींग, उसकी जो कोर नेचर है ऑफ गिविंग, उसके साथ मैंने ऐड कर लिया, मिक्सचर डाल दिया ऑफ एक्सपेक्टेशन, सेइंग दैट बिकॉज आई एम डूइंग, यू नो दे शुड आल्सो डू,
राइट और फिर जब नहीं करते और फिर जब नहीं और हर्ट तभी क्रिएट होता है क्योंकि हमने एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करी राइट सो हर्ट उनके एक्शन से नहीं लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से वो हर्ट क्रिएट होती है तो रितु जी इतना तो समझ में आ गया आपने जो अभी समझाया इतने सुंदर तरीके से कि एक्सपेक्ट ना करें किसी से हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो उसमें एक्सपेक्टेशंस ना आए कि वो भी हमारे लिए करेंगे ठीक है यहाँ तक ठीक है कि ओके हम कर रहे हैं कोई बात नहीं बट वो भी करे वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशंस तो इट्स नेचुरल ना कि अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं कम से कम इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए कम से कम अच्छा तो सोचे अच्छा तो बोले चाहे करे नहीं पर उतना तो आई मीन दैट्स नेचुरल आपने कभी किसी पेड़ से कोई कच्चा फल तोड़कर खाया है तनु जी हाँ मतलब उसका टेस्ट कैसा होता है बिल्कुल अच्छा नहीं होता जो पके हुए फल की जो टेस्ट होती है जूसी होता है जो जूसी good, होता yeah. है हेल्दी होता है उसके right. सारे गुण होते हैं वो जी. पके हुए फल में मिलते जी. हैं अब क्या होता है कि जब जी. हम कोई कर्म करते हैं और ये सोच कर करते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा सोचे वो हमें अप्रिशिएट करें ये अप्रिसिएशन क्या है ये वो कच्चा फल है उस कर्म का फल हमें पकने पर यू नो लाइफ के जो जर्नी है वो फल के सही समय का जो मतलब जो रिजल्ट है जो उसका फल है वो हमें ज़रूर मिलेगा उस कर्म का लेकिन हम क्या चाहते हैं अभी अभी मिले और इसी फॉर्म में मिले right. तो इस फॉर्म में मिले और अभी अभी मिले ये वो कच्चा फल है हमें उतना पेशेंस नहीं है कि हम वो फल को पकने दें हाँ और एक्चुअली क्यों ये होता है क्योंकि हमको ये लाइफ की जो जर्नी है ना उसमें वो पकना कब होगा ये फल तो दिखता है कि पकेगा कब लेकिन वो जो कर्मों का फल है वो कब पकेगा वो हमें अभी दिखता नहीं है और इसीलिए हम शायद इम्पेशेंट हो जाते हैं कि क्यों ऐसे कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेप बैक राइट कि मैं जो कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कर्म मुझे खुशी दे रहा है और इस अच्छे कर्म का पका हुआ फल जब मिलेगा तो उसका टेस्ट भी अच्छा होगा और उसका उसकी हेल्थ उसके न्यूट्रिशंस भी उतने अच्छे होंगे तो जब आना होगा वो जरूर आएगा क्योंकि आए बिना तो जा नहीं सकता exactly. वो फल तो मिलना ही है क्योंकि आपने दिया है तो वो आपके पास लौटना है आना ही That's... है वो बीज बोया फल का उसका पेड़ उगकर वो फल पकना ही है लेकिन उसके पकने तक हमें थोड़ा सा पेशेंस रखनी पड़ेगी बट उस फेथ के साथ कि आएगा जी और ये समझ ना ये आपने इतने अच्छे से जो समझाया है कि वो फल मीठा फल का जो रस है यू नो दैट्स टेस्ट जो है तो वो ये सोचना कि क्यों मैं कच्चा फल खाऊं हमने अपनी तरफ से बीज अच्छे कर्म का डाल दिया जी, और फल मिलना ही है जी, पर वाई वेट फॉर दैट मतलब आराम से उसको बस डाल के फिनिश थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटिफुल समझ आई होप आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा आपके भी कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं तब तक के लिए लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट थैंक यू ओम शांति